सुखविंदर सिंह सुखू रिज मैदान पर शपथ ग्रहण करेंगे बतौर मुख्यमंत्री, और वहीं मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। पेशे से पत्रकार और चार बार से अरोली के विधायक रह चुके मुकेश अग्निहोत्री के राजनीतिक सफर पर एक नजर डालते हैं। मुकेश अग्निहोत्री का जन्म पंजाब के संगरूर में 9 अक्टूबर 1962 को हुआ। वर्तमान में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट के हरौली विधानसभा से विधायक भी हैं। वह पिछले चार बार से विधायक हैं। मुकेश अग्निहोत्री की प्रारंभिक शिक्षा ऊना डिस्ट्रिक्ट से ही हुई है, जबकि उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशन और MSSC की डिग्री भी हासिल की है। राजनीति में आने से पहले मुकेश पेशे से पत्रकार थे। अग्निहोत्री लिखने पढ़ने के साथ साथ म्यूजिक और बैडमिंटन खेल का शौक रखते हैं। कांग्रेस के एक तेज तर्रार नेता माने जाने वाले मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का एक प्रमुख चेहरा भी हैं। साल 2003 में कांग्रेस के दिवंगत नेता वीरभद्र सिंह ने उन्हें सतोकगढ़ से चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया, जहाँ से उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई, जिसके बाद वह 2007, 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर चुके हैं। 2003 में उन्हें हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। इसके बाद पब्लिक अकाउंट एवं मानव विकास कमेटी के सदस्य के रूप में 2008 से 2012 तक कार्य किया। वहीं इस दौरान मुकेश अग्निहोत्री को वीरभद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इसके बाद 2021 के दौरान कांग्रेस की तरफ से हिमाचल में मुकेश अग्निहोत्री को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। मुकेश अग्निहोत्री कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ एवं तेज तर्रार नेता माने जाते हैं। वीरभद्र के बाद खाली हुए स्थान को भरने के लिए कांग्रेस के पास कोई मजबूत नेता नहीं था। ऐसे में मुकेश अग्निहोत्री की नेतृत्व की क्षमता के साथ साथ राजनीतिक समझ कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा हो सकती है। कांग्रेस ने भी उनके पार्टी के लिए योगदान को देखते हुए उन्हें नेता प्रतिपक्ष भी बनाया। वह पिछले चार बार से लगातार विधायक चुने जा रहे हैं। कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है और इस वक्त हमारे साथ मुकेश अग्निहोत्री मौजूद हैं। अब न्यूज 18 की तरफ से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। कब तक अब मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा? देखिए, ये तो मंत्रिमंडल का गठन करना चीफ मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार है, उनके अधिकार क्षेत्र की बात है, वही इस बारे में बता सकेंगे। लेकिन उसके बारे में जो कंसल्टेशंस होनी हैं और हाईकमांड के साथ बातचीत होनी है, मुझे लगता है अभी कुछ समय तो लग सकता है। मुझे आपका वो नेता प्रतिपक्ष वाला दौर याद आ रहा है, अब जो बड़ी स्ट्रांगली आपने निभाया है, और हिमाचल प्रदेश में सरकार के लिए फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बड़ी जो दिक्कत सामने आ रही है, कैसे मैनेज कर पाएंगे? इश्यूज भी हैं, आपने कई प्रोमिसज भी की हैं। नहीं देखिए, जैसे ही अभी कल चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीज की मीटिंग लेंगे, उसमें सारी स्थितियां सामने आएंगी, क्या क्या प्रदेश की वास्तविकताएं हैं, फाइनेंसेस की क्या स्थिति है, तो उसके बाद आगे काम होगा। जैसे ही फर्स्ट कैबिनेट होगा, OPS तो लागू होगी। ये हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने अनाउंसमेंट की है, OPS की, 1 लाख नौकरी की और 1500 रुपये महिलाओं को देने के लिए। उसकी जो भी मॉडलिटीज़ हैं वो वर्कआउट होंगी जैसे ही कैबिनेट होगी। बाकी CM के साथ इन कंसल्टेशन, ब्यूरोक्रेसी के साथ इन कंसल्टेशन, आगे के फैसले लिए जाएंगे। ऑपरेशन लोटस भाजपा का देखा है हमने, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें बनती है भाजपा जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू कर देती है, हिमाचल में कैसे जवाब? नहीं देखिए, हिमाचल प्रदेश में सरकार चलेगी भी, सरकार अब और अभी बनेगी भी। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज 18 हिमाचल। और इस बीच सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी अमन का, ज्यादा जानकारियों के साथ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमन, हमने वो तस्वीरें देखी एक्सक्लूसिव जो आपने दिखाई, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा धन्यवाद करते हुए नजर आए, हालांकि मीडिया से मुखातिब नहीं हुए खुलकर। यही तस्वीर हेलीपैड पर भी हमने देखी, जब मीडिया से बचते बचाते दोनों भाई बहन नजर आए। लेकिन
सेसल के बाहर अब किस तरीके का नज़ारा देखने को मिल रहा है और कब ये माना जाए, क्योंकि आधे घंटे के आसपास का समय रह गया है जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा, तो सेसल के बाहर और सेसल के अंदर किस तरीके की हलचल है? अमन, देखिए जैस्मिन, यहाँ पर सेसल के बाहर पूरी वीवीआईपी मूवमेंट है और दोनों तरफ से रोड जो है उनको बंद कर दिया गया है। कोई भी आम मूवमेंट, आम लोगों को इजाज़त नहीं है यहाँ से जाए। और काफिला कांग्रेस के बड़े नेताओं का यहाँ पर मौजूद है और कुछ के समर्थक हैं जो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन बाकायदा शिमला के एसपी, डीजीपी हिमाचल के, वो यहाँ मौजूद है ताकि सुरक्षा दस्ते में और सुरक्षा में यहाँ पर कोई चूक ना हो। और इसी फॉर्च्यूनर गाड़ी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उतर कर सेसल के अंदर गए। जब हमने बातचीत करने की कोशिश की, राहुल गांधी की ओर से एक स्माइल देकर जरूर अवॉइड किया गया। उसके बाद कहा गया कि बाद में बातचीत की जाएगी, अभी अंदर जाना है, अभी अंदर जाके बातचीत करनी है। तो जाहिर तौर पर अंदर एक टी ब्रेक जरूर है कांग्रेस के बड़े नेताओं की। प्रताप बाजवा से हमने बातचीत की, उनका एक बड़ा बयान जरूर है कि कांग्रेस का रिवाइवल हिमाचल से नजर आ रहा है और इससे पूरी कांग्रेस को ताकत मिलेगी। प्रियंका गांधी से बातचीत की न्यूज 18 ने, तो यहीं पर प्रियंका गांधी ने ये कहते हुए गई जब उनको कहा कि वेलकम टू हिमाचल, चल सरकार बनी है, तो स्माइल देकर अपने अंदाज में धन्यवाद कर हिमाचल की जनता का प्रियंका गांधी गई हैं अंदर। हालांकि जिस बॉडी लैंग्वेज से गए हैं, एक तो खुश थे और दूसरा इस जल्दी में जरूर थे कि कुछ डिस्कस करना है, क्योंकि बड़े नेता जिन्होंने फैसला लेना है वो अंदर गए। साथ ही सुखविंदर सिंह सुक्खू वो अंदर गए। तो जाहिर तौर पर पिछले 15 मिनट से यहां पर ये हलचल है और हर मूवमेंट को चेक किया जा रहा है। बाकायदा यहां पर सुरक्षा जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरे पुलिसकर्मी और जो कमांडो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ तैनात हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, सीआरपी की टीम है। तो ये यहाँ के यहाँ हालात हैं। हालांकि टी ब्रेक के बाद यहाँ सेसल से निकलकर सीधा रिज मैदान पर जाया जाएगा जहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह है सुखविंदर सुक्खू का। मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेंगे और यहाँ पर स्टेट के और देश के जो नेता आए हैं वो अंदर गए हैं। एक बार तस्वीरें भी लगातार आपको दिखाएंगे, क्योंकि कुछ ही देर में प्रियंका गांधी वाड्रा बाहर आएंगी और राहुल गांधी वो बाहर आएंगे। और जितने लीडर्स गए हैं जिनसे बातचीत करने की कोशिश की, कुछ ने बातचीत की है, कुछ इस जल्दी में थे कि कांग्रेस पार्टी का आज का क्रूशियल दिन है और चंद मिनटों के बाद ही शपथ ग्रहण है, तो उससे पहले किस तरीके का डिलीवर करना है, क्योंकि स्पीच भी वहां पर होगी, हिमाचल के लोग सुनेंगे, पूरी देश की निगाहें हिमाचल की आज की उस स्टेज पर होंगी जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा और वहां पर हिमाचल के लोगों को एड्रेस क्या किया जाता है उसकी तैयारी जरूर की जाती है ऐसे मौकों पर कि हिमाचल के लोगों को मैसेज क्या देना है। और देखिए गाड़ी पर कपड़ा बदल, जल्दी ही बिल्कुल अमन, आपने यहाँ पर बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज कही है कि एड्रेस क्या करना है, क्योंकि आज से पहले जब दिवंगत नेता वीरभद्र सिंह मैदान में होते थे और ये स्थापित होता था कि वही मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि 6 बार से लगातार वो मुख्यमंत्री रहे तो लगभग हिमाचल की जनता को पता रहता था कि वो क्या कहेंगे, लेकिन ये पहला मौका होगा जब सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अभी वो थोड़ी देर में मूव करने वाले हैं। बड़ी खुशी का माहौल है, कांग्रेस पार्टी को हिंदुस्तान में जो है वो तीसरा राज्य जीता है, बहुत खुशी की बात है। और ये परिवर्तन की जो हवाएं हैं वो हिमाचल प्रदेश से पूरे हिंदुस्तान में चलेंगी। आपको मंत्री बनने की बधाई दे सकते हैं? नहीं, अभी आज मुझे लगता है किसी की ओथ नहीं हो रही है, आज सिर्फ मंत्री की ओथ नहीं हो रही है, आज सिर्फ चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की ओथ हो रही है। पर चर्चा की गई है प्रियंका गांधी से लाजमी तौर पर किसको मंत्री बनाना है पुराने, ऐसी कोई चर्चा नहीं, लिस्ट तैयार हुई है? ये तो कोई तैयार नहीं है, तो जो मुख्यमंत्री जी हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी वो कांग्रेस हाईकमांड के साथ तय करेंगे कि कौन किसको दिलाई जाएगी। अच्छा, जो प्रतिभा सिंह और हॉली लॉज को कोई ऐसी जिम्मेदारी, क्योंकि डिप्टी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कांग्रेस कोई ऐसा नहीं है। तो हर्षवर्धन यहां से बातचीत करके जा रहे हैं प्रियंका गांधी और सीनियर लीडरशिप से अंदर होटल सेसल में मुलाकात कर आए हैं और कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है, मंत्री पद को लेकर भी चर्चाएं हैं लेकिन अभी तक कुछ फाइनल